बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। पहले नीतीश कुमार ने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और फिर कमान सौंपा गया आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और अब ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कमान उनके हाथ में है। लेकिन अभी भी 70% लोग आरसीपी सिंह को जो है जानते हैं, आरसीपी सिंह के बारे में बात होती है तो जानकार बताते हैं। हालांकि पार्टी के नेता नीतीश कुमार जरूर हैं लेकिन संगठन में आरसीपी सिंह की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो जनता दरबार लगाया जा रहा है उसमें कई बड़े पोस्टर एक लगे हुए दिखे जिसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीरें नजर आई। ललन सिंह उस तस्वीर से गायब थे। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, क्या लगता है कि जेडीयू के तरफ से जो बात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कमान ललन सिंह के हाथ में है लेकिन दबदबा किसी और का नजर आता है। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये तो सिर्फ नाराजगी दूर करने के लिए, जेडीयू बिल्कुल दो फाड़ हो चुकी है ये तो दिख रहा है। अब माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहमति से वो केंद्र में माननीय मंत्री बने। तो कुछ लोग कह रहे थे कि गए थे अगवा बनकर दुल्हा बन गए, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की सहमति थी और आज भी जेडीयू के लोग उन्हें ही अपना नेता मान रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सिर्फ दिखाने के लिए आदरणीय ललन सिंह जी को बना दिया गया है, लेकिन सोचिए जनता दरबार जेडीयू कार्यालय में लग रहा है और पीछे पोस्टर में कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी माननीय आरसीपी सिंह जी के स्वागत में जो पोस्टर बैनर लगे थे उसमें ही बवाल मचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पोस्टर नहीं है। अब तो ये लोगों को समझ में आ गई कि ये खेल तो कुछ और है। जेडीयू के अंदर जो खेल चल रहा है ये खेल से अब जेडीयू के कार्यकर्ता और जो बाकी लोग हैं दूसरे, उनको ये आभास हो गया है कि यहाँ पर असली आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। भले वो बना दिए हैं आदरणीय ललन सिंह जी को, तो जेडीयू को अब बताना चाहिए कि आखिर ये जेडीयू के अंदर हो क्या रहा है, कि इतनी बेइज्जती क्यों कराई जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल है। और ये पूरा, चूँकि सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू के, ये सब कहते हैं, तो बिना सर्वमान्य नेता के इशारे पर ये सब हो नहीं सकता है। किसी की मजाल नहीं है कि कोई पोस्टर लगा दे और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हटा दे। जो पोस्टर लगाया है उस पर कार्रवाई करके दिखाएं, अगर मंशा सही है तो इसलिए बड़ा घालमेल है जेडीयू के अंदर। जेडीयू में पूरी तरह से जो खेमेबाजी गुटबाजी है वो खत्म नहीं हो रहा है, दो फाड़ जेडीयू हो चुका है। लेकिन मृत्युंजय जी, सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक मिनट के लिए हम मान भी ले कि वो पोस्टर पुराना है, लेकिन अगर कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उनके सम्मान में पोस्टर बदले जाते हैं। पूरा पटना, पूरा बिहार लग गया पोस्टर, सबको पता चल गया, चप्पे चप्पे पर कहीं सड़क नज़र नहीं आ रहा था। दीवार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ था एयरपोर्ट से पटना कार्यालय तक, ये कोई भूला है क्या? सब जगह पोस्टर में आ गए और असली पोस्टर से गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये दलील गले के नीचे नहीं उतरती है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश है और कहीं ना कहीं कोई बड़ा इशारा हो रहा है कि जेडीयू के अंदर गुटबाजी खेमेबाजी किस तरह चरम पर है। एक आखिरी सवाल, जनता दरबार लगातार लग रहा है, हर पार्टी लगा रही है, आपको लगता है बिहार की जनता से मिलने की एक होड़ सी मच गई है? क्योंकि जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, आप लोग भी जनता दरबार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जेडीयू भी फिर पीछे से। देखिए, जनता झेल रही है समस्याओं का भरमार, जनता के सामने समस्याओं का भरमार है। अब जनता याद आ रही है सरकार को, जिस समय जनता सरकार को खोज रही थी, सरकार के लोगों को एक भी सरकार के लोग नज़र नहीं आ रहे थे, सारे बिल में घुसे हुए थे कोरोना के दूसरे लहर में। आज बाढ़ में सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है,
सरकार सिर्फ आईवास के लिए सरकार के घटक दलों के अंदर ही एनडीए में कंपटीशन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार 5 वर्षों के बाद शुरू किया, तो बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, फिर आदरणीय मांझी जी ने शुरू किया, मुकेश सहनी जी ने शुरू किया। जनता की समस्याओं का जिन्होंने लगा कर दिया भरमार, वो अब क्या करेंगे लगाकर जनता दरबार, इससे क्या होगा? ये आईवास है और ये दिखा रहा है कि ये डर सता रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि ये सरकार किसी भी क्षण जा सकती है, गिर सकती है, इसीलिए